फरवरी के बाद गुलाब पर बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत बड़े फूल पाने के लिए आपको इस खाद का प्रयोग करना है। ये क्या है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बने हुए हैं चैनल होम गार्डन पर। मैं हूं रविंद्र और ये है हमारा वही बॉन्साई रोज़ प्लांट जो कुछ समय पहले हमने आपको इसका वीडियो दिखाया था कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे। अब फ्लावरिंग पीरियड शुरू हो रहा है तो अब ज़रूरत है कि हम इसे फर्टिलाइज़र दें। तो जिस भी पौधे में आप गुलाब के जिस पौधे में आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें वाटरिंग बंद कर दीजिए 3-4 दिन, जिससे जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, जिससे हमें उसकी गुड़ाई करने में कोई परेशानी ना हो। आपने अगर पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं या आपके गमले में जहाँ भी लगे हुए हैं उसमें कुछ दिन पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, अगर गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं जिससे हल्की नमी बनी रहे। और उसके बाद आपको लेनी है अपनी कोई छुरी या टूल जिससे मिट्टी की हम खुदाई कर सकें। देखिए, खाद देने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को तोड़ना है, उसकी गुड़ाई करनी है। तो ये प्रक्रिया आप सावधानी से कीजिए, यानी कि बॉन्साई पॉट में ये पौधा लगा हुआ है, गमले में अगर पौधा लगाए या ज़मीन में लगाए तो उसकी जो रूट हैं वो डैमेज ना हो, यानी कि उसकी मेन रूट कटने ना पाए। तो चलिए हम ये गुड़ाई की लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को सबसे पहले सुबह सुबह करना है, मॉर्निंग में 7-8 बजे आप इसे कर लेंगे। और जो गुड़ाई करनी है वो पूरे पौधे की करनी है, चारों तरफ अच्छे तरीके से करनी है। गुड़ाई का जो प्रभाव है वो खाद से ज़्यादा होता है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर जो मुझे देख रहे हैं, हमारे दोस्त, वो ये समझ ले कि अगर एक बार आप अपने पौधों में खाद ना दें तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है, फ्लावर आने की जो संख्या है, फल आने की जो संख्या है, वो कम हो जाएगी और पौधा धीरे धीरे जो है ख़राब हो जाएगा। तो हमें अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लेनी है, वो चाहे गुलाब हो, गुलहड़ हो, मोगरा हो, कोई भी पौधा जो आप लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी अपनी एक वेबसाइट बनाई है homegardennet.com, और वहाँ पर हमने गुलाब, गुलहड़ और जो भी सब्जियाँ उनसे संबंधित आपके लिए बहुत ही उपयोगी आर्टिकल लिखे हुए हैं। आप वहाँ जाकर देखिए, पढ़िएगा। आपकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। एक बार वहाँ जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं कैसे फर्टिलाइज़र के बारे में, जो आपके गुलाब के पौधों पर फूलों की संख्या बढ़ा देगा, फूलों का साइज बढ़ा देगा, और वो आपके हाथों में है। इसे कहते हैं बोनमील, हड्डी चूरा। ये पशुओं की फसल से बना होता है और इसमें फॉस्फेट की मात्रा होती है जो पौधे की रूट को मजबूत बनाती है। आपको ये देना कैसे है, गड्ढा खोद लेना है, उसके अंदर देना है। महीने में 40 दिन में एक बार देना है। मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 ग्राम रखिए 10 इंच के पॉट में, उससे ज़्यादा नहीं। कभी भी आपको ये खुला हुआ नहीं देना है। बॉर्नमील भी दो तरीके का आता है, एक तो सीम्ड आता है बॉइल्ड और एक आता है कच्चा। हमेशा सीम्ड वाला यूज़ कीजिए, थोड़ा महंगा आएगा लेकिन ये आपके पौधे की हेल्थ को बेहतर बनाएगा और बीमारियों से दूर रखेगा। बॉर्नमील को कभी भी ऊपर बिखेर कर नहीं देना है, गड्ढा खोदना है और उसमें दबा के देना है। आप चाहे गुलाब में दे रहे हों, गुलहड़ में दे रहे हों, मोगरा में दे रहे हों, किसी भी फूल वाले पौधे में अगर आप बॉर्नमील यूज़ कर रहे हैं तो उसे गड्ढे में दबा कर दीजिए। और जब बॉर्नमील आप दबा दें उसके बाद ऊपर से हमें मिट्टी को अच्छे तरीके से ठोंक पीट कर एक समान कर देना है। और ये हम इसलिए करेंगे कि हमारा बॉर्नमील ऊपर ना जाए। और उसके बाद हम जो भी हमारा गमला है उसकी मिट्टी को एक बार पुनः ठोंकेंगे। और कारण वही है कि हम चाहते हैं कि हमारा फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर रहे, पौधे की जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे उसे ग्रहण करती रहें। बॉर्नमील का प्रयोग हम फूलदार पौधों के साथ साथ बॉन्साई पौधों में करते हैं, जिससे उनकी रूट जो होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से विकास करती हैं। एक बार पौधे की रूट अगर तेज़ी से विकास करने लगेंगी तो पौधा हेल्दी हो जाएगा और उस पर आने वाले फूलों का साइज है वो इनक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमने बॉर्नमील दे दी है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो आपके आसपास ही मिल जाता है और आप सभी उससे परिचित होंगे। मेरे हाथों में है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। ये आपको यूज़ कैसे करनी है, आपके यहाँ रोज़ चाय बनती है, उसको लीजिए, पानी से धोइए, उसमें से दूध और शक्कर की मिठास निकाल दीजिए और उस चाय की पत्ती को कहीं धूप में रख दीजिए सुखाने के लिए।
हर रोज़ ऐसा ही करना, धीरे धीरे आपके पास बहुत सारी चाय की पत्ती हो जाएगी। और फिर 15 दिन में एक बार लगभग 40 से लेकर 50 ग्राम सूखी हुई यूज़ की हुई चाय की पत्ती को आपके गुलाब के पौधे में बिखेर देना है। लीजिए, चाय की पत्ती में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, इससे गुलाब का जो फूल है वो उसका जो कलर है वो बहुत ही नेचुरल हो जाएगा और ब्राइट हो जाएगा, काफ़ी अच्छे कलर्स आएंगे, फूलों का साइज भी बढ़ जाएगा और गुलाब इसे काफ़ी पसंद करता है चाय की पत्ती को। तो ये दो तरह की खाद थी जो आप इन फरवरी के बाद अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर लगाइएगा, और लगाने के बाद फिर उसका इफ़ेक्ट देखिए कितना बेहतर आता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। धन्यवाद।